नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में आज एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। एक रोडवेज बस के ब्रेक फेल हो गए और रोडवेज बस दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे 119 पर स्थित पेट्रोल पंप में जा घुसी। सोहराब गेट डिपो की बस में दर्जनों यात्री सवार थे और बस मेरठ से चलकर हरिद्वार जा रही थी। बस जैसे ही पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो बस के ब्रेक फेल हो गए, जिस कारण ये हादसा हुआ। पेट्रोल पंप पर खड़ी एक मैक्स व अन्य वाहन फिलिंग करवा रहे थे, तभी पीछे से ब्रेक फेल बस वाहनों में जा घुसी, जिससे मैक्स का चालक मामूली रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया और वहीं हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। उधर पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि ब्रेक फेल बस के पंप में घुस जाने से उनके पंप को लगभग 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है और बस चालक मौके से फरार हो गया। देखिए, बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपको? मेरा नाम हेमेंद्र कुमार है। अच्छा, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। अच्छा, ये जो दुर्घटना हुई आज कैसे हुई? ये एक बस के ब्रेक फेल हुए हैं और पंप वाले ने, उस बस वाले ने यहाँ पे लाके गुजर दिया बस। अच्छा, कितने का नुकसान होगा? लगभग लगभग हमारा 4 से 5 लाख रुपये नुकसान है। अच्छा, इसमें कोई घायल? घायल कोई नहीं है, एक जो मैक्स का ड्राइवर है वो घायल है, वो हॉस्पिटल में भर्ती करा देगा। अच्छा, ये जो बस ड्राइवर था ये कहाँ गया? ये भाग गया, ये कूद के भाग गया। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।